ब्याहने वाली अभी? हाँ जी ब्याहने वाली अभी, 4-5 रोज बाकी है। 4-5 दिन ले जाएगी? हाँ जी। कौन से ब्याह में ब्याहेगी? ये तीसरे में बच्चा देगी। तो पिछली बार कितना दूध दे रही थी ये? इसके 22 लीटर दूध का। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। अभी ब्याही है भैया? अभी मंडी के अंदर ही। मंडी के अंदर ही ब्याही है। तो कौन से ब्याह में ब्याही है? फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में। पहली बार है? तो कितना दूध निकाल देगी ये? ये भैया 23-24 लीटर देगी। दोनों टाइम का? हाँ जी भैया। और कितना? और छोटनी कितने में है? 70,000 रुपए की दे दोगे? 70,000 रुपए की दे दोगे। और 18 से 20 लीटर? हाँ जी। हाँ। दोनों टाइम का? हाँ जी दोनों टाइम का। तो क्या दाम कर रहे हो इस गाय का? 55,000 रुपए। और छोटनी कितने में है? 50,000 की। 50,000 रुपए की दे दोगे। तो आप बहने वाली है? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन ले जाएगी अभी? ये भी ले जाएगी। कौन से ब्याह में ब्याहेगी? पहली बार ब्याहेगी। नमस्कार दोस्तों, सराफ फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। तो आप लोग पीछे देख सकते हो ये गाय की मंडी, हर संडे के दिन इस मंडी का लगने का टाइम है और अच्छी से अच्छी नस्ल की गायें इस मंडी में पहुंचती है। और मंडी में के अंदर क्या गाय का दाम चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आपको बताते हैं जी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि दोस्तों ऐसी ही वीडियो हर दिन हम लोग बना सकें और आपको भी मंडी के अंदर दामों का पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्या दाम के अंदर गायें बिक रही है या नहीं बिक रही है। ठीक है जी। तो दोस्तों जी, भाई साहब आपको गायें जो चलाकर दिखा रहे हैं, काफी बड़ा ऑर्डर क्वालिटी के साथ ये गायें मंडी के अंदर पहुंची हुई है। तो इसकी पूरी डिटेल भाई साहब से लेकर बताते हैं जी, कौन से व्यांत में ब्याही है और कितना दूध दे रही है। ऑर्डर काफी शानदार है और बड़ी गायें हैं, साइज आप लोग देख सकते हो, HF ब्रीड के अंदर जी गायें जाती है, एकदम सूदी और सील गायें हैं। भाई साहब ऑर्डर के ऊपर हाथ से सहला रहे हैं। तो एकदम शांत आराम से मंडी के अंदर भी आराम से ये गायें खड़ी हुई है। तो इसका दाम और दूध की क्षमता के बारे में भाई साहब से पूछकर आपको बताते हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? एकदम बढ़िया। और कहाँ से आए हो? मेरा काम फतेहगढ़ पुरुषोत्तम वास है, यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और सेल परचेज का काम करते हो? हाँ जी, हाँ, सेल परचेज। और कितनी गायें लेकर आए थे मंडी में? हम 3 लाए थे। और कितनी बिक गई? 2 बिक गई जी, 1 बची है। अभी एक रह रही है। हाँ जी। तो ये HF ब्रीड में है? हाँ जी, HF। और काफी बड़ी और तगड़ी गायें हैं ना? हाँ जी, हाँ। ब्याहने वाली अभी? हाँ जी ब्याहने वाली अभी, 4-5 रोज बाकी है। 4-5 दिन ले जाएगी? हाँ जी। कौन से ब्याह में ब्याहेगी? ये तीसरे में बच्चा देगी। तो पिछली बार कितना दूध दे रही थी ये? इसके 22 लीटर दूध का। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। और अगर ब्याहगी तो 2-4 टाइम चुबाई हो जाएगी? हाँ जी, हाँ हो जाएगी। तो क्या दाम कर रहे हो इस गाय का? इसका मोल तो जी 1,05,000 रुपए कर रहे हैं। 95,000 रुपए। 95,000 रुपए की छोड़ दोगे? अगर हाँ कस्टमर जब दाम लगाएगा तो थोड़ा बहुत मानता हो जाएगा, मानता हो जाएगा। तो ऐसी गाय हर दम अवेलेबल रहती है आपके फार्म पर, घर पर रहती है? हाँ। तो आपका फोन नंबर बता दो कोई किसान भाई लेना चाहिए तो? 8511227747। ठीक है जी। तो दोस्तों जो ताजा व्याही गाय मंडी के अंदर आई है, तो एक ही दिन बता रहे हैं कि व्याही हुई गाय को हुआ है। तो इसका ऑर्डर आप चेक कर सकते हो, काफी शानदार ऑर्डर क्वालिटी है। तो इसकी पूरी जानकारी भाई साहब से लेकर बताएंगे जी कौन से ब्यांत में व्याही है। तो थन है वो चारों गैप पर है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, HF ब्रीड के अंदर ये गाय आ जाती है जी। नमस्कार भाई जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया भैया, नमस्कार भैया। तो पहले तो आपका नाम बता दो। अमरजीत सिंह भैया। अमरजीत सिंह। और गांव? गांव फतेहगढ़ गुदारावास। फतेहगढ़ गुदारावास। और ये गाय अभी रात ही ब्याही है? अभी ब्याही है भैया, अभी मंडी के अंदर ही। मंडी के अंदर ही ब्याही है। तो कौन से ब्यांत में ब्याही है? फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में। पहली बार है? तो कितना दूध निकाल देगी ये? भैया 23-24 लीटर जाएगी। दोनों टाइम का? हां जी भैया। और कितने दांत है मुँह से? भैया 3-4 दांत है। 3-4 दांत। तो जो बछड़ी दी है ना इसने, पीछे फीमेल काफ है। HF ब्रीड में है जी भी? हाँ जी, HF। तो क्या दाम कर रहे हो इसका? मोल तो 75,000 रुपए कर रहे हैं। और छोटनी कितने में है? 70,000 रुपए की दे रहे हैं। 70,000 रुपए की दे दोगे। और इसके अलावा कितनी गायें अभी आपके पास? 6 गाय थी भैया, 2 रह गई। 2 रह गई है, 4 बिकी है। बहुत जल्दी आपने सल्टा दी फिर तो, है ना? हाँ जी भैया। मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे में बेच दी सारी। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी गायें थी वो सारी, इसी तरह से ब्रीड की थी। HF ब्रीड की थी। चलो दूसरी दो दिखाओ जो बची है, एक बची है ना? हाँ जी भैया। हाँ तो दिखाओ दोस्तों जी। भाई साहब दूसरी बछड़ी है वो चलाकर दिखा रहे हैं, तो इसकी पूरी जानकारी लेकर बताते हैं। ऑर्डर क्वालिटी आप देख सकते हो, थन चारों गैप पर है, काफी शानदार और फिट ऑर्डर के साथ ये गायें हैं। कौन से ब्यांत में ब्याही है और कितना दूध है उसकी पूरी जानकारी लेकर आपको बताते हैं जी। ये कौन से ब्यांत में ब्याही है? ये भैया दूसरे ब्यांत में ब्याही है। दूसरी बार ब्याही है इस बार? और कितने दिन हो गए ब्याही हुई इसको? भैया 2 दिन हो गए। पीछे बछड़ा बछड़ी है? पीछे बछड़ा है भैया। बछड़ा वो भी HF ब्रीड में ना? हाँ जी। तो कितना दूध निकाल रही है ये?
ये भैया इसके 14-15 लीटर खींच तैयार है। खींच तैयार है, और दूध कितना कर जाएगी? 18-20 लीटर दे दे कुल्ला। 18-20 लीटर? हाँ जी, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का। तो क्या दाम कर रहे हो इसका? 55,000 रुपए। और छोड़नी कितने में है? 50,000 रुपए की दे दोगे। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बता दो अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो। 7688 9789 ठीक है जी। सो दोस्तों, जो सींग वाली गाय भाई साहब चलाकर दिखा रहे हैं, तो इसकी पूरी डिटेल लेकर आपको बताते हैं जी, कौन से ब्यात में ब्याई है और कितना दूध दे रही है। अर्डर क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हो, आंचल और थन का गैप। नमस्कार भाई जी, क्या हाल चाल है जी? नमस्कार भाई साहब। और कहाँ से आए हो? सिरसा हरियाणा। सिरसा हरियाणा। और कितनी गाय लेकर आए थे मंडी में? पाँच। और सेल हो गई कुछ? हाँ जी, दो सेल हो गई। दो सेल हो गई। और इसका भी दाम लग रहा है? हाँ जी, इसका लग रहा है। तो जी ब्याने वाली है अभी? हाँ जी, हाँ जी ब्याने। कौन से ब्यांत में ब्याएगी? दूसरे ब्यांत ब्याएगी भाई साहब। और पिछली बार कितना दूध दे रही थी? पिछली बार 18 लीटर दूध दिया था। इस बार कितना कर जाएगी? अब की बार 20 प्लस करेगी जी। 20 प्लस कर जाएगी। तो क्या दाम कर रहे हो इस गाय का? इसका 65,000 डिमांड कर रहे हैं। और छोड़ कितने में दोगे? मान कर देंगे जो आएगा भाई मौके पे। फिर भी कितने तक हो जाएगा? 60 तक छोड़ दोगे। और इसके अलावा कौन सी गाय है आपकी? ये सारी अपनी भाई साहब, कौन सी मर्जी दे। तो ये HF ब्रीड में आ गई, ब्याने वाली है, ब्याने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन ले जाएगी अभी? ये भी ले जाएगी। कौन सी ब्यांत में ब्याएगी? पहली बार ब्याएगी। अगर किसी किसान ने 2-4 महीने की चेक पास लेनी हो तो वो भी मिल जाती है आपसे? मिल जाएगी। किस दाम के अंदर मिलती है वैसी गाय? मौके मौके पर डिमांड होती है। फिर भी मोटा मोटा जैसे अनुमान के हिसाब से ये 40-45 के एवरेज में मिल जाती है 3-4 महीने के HF ब्रीड में। बढ़िया बछड़ी है ना। हाँ, तो इसका क्या दाम कर रहे हो गाय का? 75,000 डिमांड कर रहे हैं। और छोड़नी कितने में है? 65,000 की छोड़ दोगे। तो ऑर्डर क्वालिटी दोस्तों आप इसका भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट ब्यांत में अभी ब्याने वाली गाय है, तो इसके बाद ये वाली गाय आएगी। ये भी फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये सेकंड टाइम है। सेकंड में है, ठीक है। तो कितना दूध था पहली ब्यांत में इसके नीचे? इसके पास अब फर्स्ट लीटर से 16 लीटर था। अभी दोनों टाइम का 12-15 दिन बाकी है ब्याने। 12-15 दिन है। तो क्या दाम कर रहे हो इस गाय का? इसका भी 60,000 डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। और छोड़ोगे कितने में? ये इसको 50,000 की छोड़ दोगे। 50 की छोड़ दोगे। तो सारी ब्याने वाली लेकर आए हो गाय? सब ब्याने वाली। तो ये वाली गाय ब्याने वाली है? हाँ जी, हाँ जी। कौन से ब्यांत में ब्याएगी? ये सेकंड ब्यांत में। सेकंड ब्यांत में। पिछली बार कितना दूध निकाल रही थी ये? पिछली बार दूध कितना था? ये दिया था वैसे उसने 18 लीटर 9 लीटर टाइम का। अब कितना दे देगी ये? वैसे 20 लीटर के आसपास जानी चाहिए इसके लिए। और कितने दिन रह रहे हैं अभी? अभी इसके हफ्ता भर बाकी है, ले जाएगी आराम से। क्या क्या दाम कर रहे हो इस गाय का? इसका 70,000 रुपए। 70,000। और छोड़ोगे कितने में? इसको 65 की दे दोगे। 65 की दे दोगे। इसके बाद में ये सींग वाली गाय? तो ये भी ब्याने वाली है? हाँ जी, ब्याने वाली है। कितने? 15 दिन बाकी है ब्याने में। 15 दिन ले जाएगी। हाँ जी। HF ब्रीड में आगी ये भी? नहीं, नहीं, क्रॉस ब्रीड में जी। ये क्रॉस ब्रीड में है। हाँ जी। तो कितना दूध था पिछली बार? इसके पास पिछली बार 25 लीटर था, 30 लीटर प्लस जाएगी। 15 दिन बाकी है पूरे ब्याने के। 15 दिन अभी बाकी है, 30 लीटर प्लस चली जाएगी इस बार। तो क्या दाम कर रहे हो इसका? 80,000 रुपया। और छोड़नी कितने में है? 75 की छोड़नी है ना। आपका फोन नंबर बता दो। हाँ, बोलकर बता दो ना। हाँ, तो बताओ। 84,850 70,404 ठीक है जी। कोई कस्टमर लेगा तो उसके आपने बात सुननी है, ठीक है ना? एक नंबर। ठीक है जी।